हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा होंडा साइन एसपी का कि ये गाड़ी कैसी चलती है। तो ये गाड़ी अभी तक मेरे हाथ में 1500 किलोमीटर मतलब 2000 किलोमीटर ये टोटल चली है और मैंने इसको 1500 किलोमीटर के आसपास चलाया है। तो मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा कि ये गाड़ी आपको अगर आप खरीदिएगा, अगर आप ख़रीदने का सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ आपको जानना चाहिए आपको ये गाड़ी लेने से पहले। मैं आपको प्रो एंड कॉन्स बताऊंगा, मतलब इसकी अच्छी बातें भी बताऊंगा और इसकी वो बातें भी बताएंगे जो आपको जानना चाहिए कि इसको किस कारण से आपको नहीं लेना चाहिए या फिर इसमें क्या ऐसा कमी रह गया है। तो ये 5 गियर वाली गाड़ी है, सबको पता होगा बेसिकली जो देख रहे होंगे, जो इसको लेने की इच्छा रख रहे होंगे। सीबी साइन जो आता था वो 4 गियर का था, जो पहले वाला आता था, लेकिन ये जो साइन एसपी आपको यहाँ दिख रहा है ये 5 गियर का गाड़ी है। तो ये 5 गियर की गाड़ी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो इसमें जो मतलब अगर आप ख़रीदिएगा तो जो सबसे खास खास बात जो है मैं आपको 6-7 बात बताता हूँ क्या क्या आपको मिलेगा इसमें। आपको सबसे चौड़ा सीट मिलेगा, मतलब आप जब बैठिएगा तो आपका मतलब पूरी तरीके से आपका जो है कहीं से लटकेगा नहीं, मतलब आप आराम से पूरा इस पर पीछे से पीछे का आपका पूरा पर्सन जो है इस पर आराम से बैठने को आपको मिलेगा। आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि इधर से लटका हो या फिर सीट छोटा है, इस तरह का समस्या इसमें नहीं है। इसका सीट काफ़ी चौड़ा है और काफ़ी लंबा भी है, मतलब अगर कोई मोटा मोटा आदमी भी 2 आदमी बैठता है तो उसको पूरा स्पेस मिलता है। मतलब अभी मैं दो आदमी के साथ मैं इधर घूमने आया हुआ हूँ, तो अभी 2 आदमी हम लोग बैठने के बाद भी लगभग इसके बाद का सीट खाली रह जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक बच्चा भी है तो बच्चे को भी आप आराम से बैठा सकते हैं। तो ये इसका सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगता है इस गाड़ी का। इसके बाद जो सेकेंड चीज़ हो गया कि इसका जो इंजन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है काफ़ी चलने के बाद भी। मतलब अभी गाड़ी लगभग 70 किलोमीटर चली है, जैसा मतलब अभी घर से जब निकाल के लाया हूँ मैं, उसके बाद मैं पटना से बख्तियारपुर आया हुआ हूँ हरनौत। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से मैं इस इंजन को, इधर तो इंजन मेन इंजन नहीं होता है, उस साइड होता है, लेकिन मैं इसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इंजन इसका बहुत कम हीट होता है, बहुत कम हीट होता है। तो ये इसका एक और बहुत ज़्यादा खास बात हो जाता है। दूसरा चीज़ इसका मैं एक और आपको बताऊँगा, इको स्पीड 100 cc या फिर 125 cc में बेसिकली आप इको स्पीड जो देखते होंगे, जो आपको यहाँ पर दिखाता होगा हरा कलर में दिखता है इस जगह पे, इसका इको स्पीड इकोनॉमी जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी शायद बहुत अच्छे से अगर देखिएगा तो, इकोनॉमी स्पीड बेसिकली 125 सीसी गाड़ी का मैक्सिमम अभी जो आ रहा है वो आपको 40 से 50 के बीच में आ रहा है या फिर 30 से 50 के बीच में आता है, लेकिन इस गाड़ी का इकोनॉमी 40 से 60 है, जो कि 60 का इकोनॉमी स्पीड बेसिकली आपको मैक्सिमम 150 cc गाड़ी से शुरू होता है। लेकिन होंडा साइन ये ऐसी मतलब मुझे लगता है पहली गाड़ी ही है, या फिर इसके पहले किसी और गाड़ी ने दी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन तत्काल अभी और कोई 125 सीसी में 5 गियर के साथ 60 के स्पीड में आपको इको स्पीड नहीं दे रही है। तो इस कारण से भी ये गाड़ी जो है मोस्ट डिमांडिंग है और सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। तो इको स्पीड के साथ एक और ख़ास बात है, इस गाड़ी का लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छा है। तो उसमें जैसे कि चलाने में मुझे क्या फील होता है, जैसे मेरे पास एक और गाड़ी है जिसका आप रिव्यू देखते होंगे, हीरो होंडा सिटी डिलक्स जो 100 cc है, तो जब मैं 100 उसको 40 की स्पीड में चलाता हूँ और इसको 40 की स्पीड में चलाता हूँ तो मुझे जो फील होता है कि जैसे एक होता है ना कि आप अलर्ट मोड में हो जाते हैं जब आप हाई स्पीड पर जाते हैं, तो इसका 40 की स्पीड में हाई अलर्ट मोड में आप जाते नहीं हैं, इसका 60 के स्पीड में मैं अलर्ट मोड, मतलब अगर 100 cc को मैं 40 की स्पीड में चला रहा हूँ तब मैं जितना दिमाग लगाता हूँ गाड़ी चलाने में उतना दिमाग इसमें 60 के स्पीड में लगाता हूँ। मतलब 60 के स्पीड में गाड़ी मुझे बहुत अच्छा कंफर्ट देती है, मैं निश्चिंत होकर गाड़ी को 60 की स्पीड में लगातार चलाते रहता हूँ। तो ये खास बात मतलब कि 150 cc गाड़ी का ये फील देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है वहाँ पर, तो इस कारण से भी मैं इसको प्रेफर करता हूँ, आपको सजेस्ट करूँगा। इसका स्पीड जो है 60 की स्पीड में चलाने पर, जब मैं मतलब लॉन्ग टूर पे जाता हूँ तो 60 की स्पीड में जब रेगुलर खींचते रहता हूँ गाड़ी को तो मुझे माइलेज कितना देती है, मुझे माइलेज 55 के आसपास दे देती है 60 की स्पीड में लगातार चलाने पे। ऐसे इसका माइलेज 64 के आसपास कंप्लीट क्लेम करती है और 55 के आसपास मुझे माइलेज इसका दे देती है, लोकल में 50 का आराम से माइलेज देती है, और हाईवे पे क्योंकि 60 का स्पीड में गाड़ी चलता है 60-65 इस तरह से, तो मुझे 55 का, अगर मैं इसको 50 पे चलाऊं तो मुझे डेफिनेटली 60 का माइलेज आउटपुट दे देगी, अगर 50 का रेगुलर चलाऊं हाईवे पे तो मुझे 60 का माइलेज दे सकती है गाड़ी। तो इसमें ये मुझे और एक खास बात दिखती है, बॉडी का मजबूती अच्छा है,
ये भी मतलब मैं अभी बताना शुरू करूँगा आप जो जानना चाह रहे हैं। ये खास बात है इसमें कि बॉडी का मजबूती भी इसमें खास अच्छा। मुझे जब मैं मतलब गाड़ी जब चेंज करके इस पे आया तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा खास क्या लगता है कि इसका सीट जो है वो काफ़ी चौड़ा है। इसमें बैठने में और हैंडल जब आप बैठ के पकड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, तो ये चीज़ मुझे इसका सबसे खास लगा। अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा कि फर्स्ट गियर पे गाड़ी कितना उठाती है, कितना पिकअप में कितना स्पीड तक ले जाती है, सेकंड गियर में, फोर्थ गियर में, फिफ्थ गियर में, तो फिफ्थ गियर तक का स्पीड कहाँ तक है। मैं टॉप स्पीड तक नहीं जाऊँगा लेकिन मैं आपको इको स्पीड से थोड़ा ऊपर ले जा कर दिखाऊँगा कि फिफ्थ गियर में आपको कितना मज़ा आएगा। तो अब इसके बाद मुझे कंक्लूजन आपको बताना होगा कि कंक्लूजन क्या है इस गाड़ी का। लेकिन इसका एक लिटिल बिट मुझे प्रॉब्लम दिखा, जो कि ये गाड़ी धनतेरस यानी अक्टूबर 2018 की है। अगर आप अब लीजिएगा तो शायद वो प्रॉब्लम आपको ना मिले, लेकिन जब लिटिल पॉट होल्स में, मतलब मान लीजिए पॉट होल आपको 5 सेंटीमीटर लंबा और 1-2 सेंटीमीटर गड्ढा है, और झटके में आप इसको वहाँ से गुजारते हैं तो लिटिल बिट यहाँ से थोड़ा सा खुट से आवाज़ आता है, जो कि मैं नोटिस कर पाता हूँ क्योंकि मैं मोटरसाइकिल से रिलेटेड बहुत सारा काम करता हूँ। लेकिन मतलब बहुत लोगों से मैंने पूछा जिसके पास साइन एसपी है, उसको वो नोटिस नहीं कर पाता है। लेकिन मैंने फिर कहा कि लाओ यार हम एक बार करके देखते हैं, तो मुझे वहाँ पे नोटिस करने को मिल जाता है। तो शायद अब वो ना हो प्रॉब्लम, लेकिन जबकि ये गाड़ी है उस समय में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आया था। इसका टायर का थोड़ा सा शिकायत है कि इसका आपको थोड़ा पतला टायर देखने को मिलता है बाकी गाड़ियों से, तो शायद माइलेज के लिए और टायर पतला होने के बाद होने से क्या मेन लोग फ़र्क समझता है कि गाड़ी कहीं मेरी स्लिप तो नहीं होगी या फिर मुझे अनकम्फर्ट पीछे से नहीं फील कराएगी, तो ऐसा नहीं है। गाड़ी अनकम्फर्ट किसी तरह से फील नहीं कराती है और वहाँ पे भी अच्छा वर्क करती है। और चैन का साउंड जो कि होंडा मतलब हॉर्नेट से लोग इसका बोल रहा था, लेकिन चैन का यहाँ साउंड आपको साइन एसपी में देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा चला के और कुछ कुछ बातें के बारे में आपको बताता हूँ। इसका पहले साउंड सुना दूँ, उसके बाद मैं फिर गाड़ी पर बैठ के गाड़ी चलाना शुरू करूँगा और भी कुछ बातें मैं फिर बताऊँगा आपको। तो पहले साउंड सुना देते हैं आपको। ये इसका आरपीएम सेट है, आप सुन सकते हैं किस तरह का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है। तो साउंड जैसा कि मैंने बताया, साउंड में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखता है और गाड़ी जल्दी हीट नहीं होती है। अभी 60-70 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है और मुझे काफ़ी पसंद है उस मामले में ये गाड़ी। 60-70 किलोमीटर चला हुआ इस तरह का इस साइड का इंजन है जो इधर, तो कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम आपको चला के बताते हैं, कुछ कुछ बातें और हैं जो इसको बताना चाहेंगे। तो चलिए अब इसको चला के कुछ चीज़ों को मैं बताता हूँ आपको। तो गाड़ी को उतारते हैं तो एक गियर नीचे और चार गियर ऊपर है इसका, और शायद आपको व्यू में ये भी आना चाहिए, मीटर भी और सामने का व्यू भी। तो ठीक है, सामने का व्यू मीटर व्यू भी आ रहा है। अब मैं इसको 1x1 गियर से शुरू करता हूँ। अभी आपको साउंड नहीं सुनाई दे रहा होगा, गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। तो ये इसका मतलब सबसे कम साउंड वाली गाड़ी है न्यूट्रल में, मुझे लगता है मतलब काफ़ी कम साउंड है। अब मैं इसका पहला गियर पे डाला, गियर थोड़ा स्मूथ है, आप बहुत आराम से पहला गियर में जा सकते हैं। तो पहला गियर में आप देखिए गाड़ी कितना उठती है, 20 की स्पीड तक आराम से चली जाती है। अब मैं आपको झाड़ के नहीं दिखाऊँगा। दूसरा गियर 35, तीसरा गियर 50, चौथा गियर 60। मतलब मैंने अभी बहुत कम मुझे कम करना पड़ेगा स्पीड को, क्योंकि बोलने के लिए अक्सर स्पीड कम करना पड़ता है। तो मैं ये इससे बताना चाह रहा था कि अभी तो मैंने आपको टॉप स्पीड मतलब जल्दी से स्पीड पकड़ा के नहीं दिखाया, मैंने ये दिखाया कि इसका पावर कितना है अलग अलग गियर पे। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये गाड़ी कितना साउंडलेस है, क्योंकि ये गाड़ी 60 की स्पीड में मतलब इसका इंजन का बात बोला जाए तो इसका इंजन बिल्कुल साउंडलेस हो जाता है, और साइलेंसर से। जैसे कि अभी मेरी गाड़ी चल रही है तो अभी मुझे ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि मेरा गाड़ी का इंजन कुछ साउंड मुझे ऐसा दे रहा है जो मुझे सुनाई दे। तो ये एक खास बात है इस गाड़ी की। और जब मैं इस गाड़ी को मतलब अभी मेरा गाड़ी 5वें गियर पे ही है,
और अगर आपने कम गियर कर दिया है, मतलब आपने स्पीड कम कर दिया है पांचवी गियर पे, तो आपको मतलब पावर कम हो जाता है बहुत, गाड़ी में लगता है कि अब फिर से गियर गिराओ और फिर से गाड़ी उठाओ, तो ये प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर आपने 40-35 की स्पीड 30 की स्पीड में कर दिया है पांचवे गियर पे, तो भी आपका गाड़ी में जो है अच्छा जो है पावर फील होगा। तो ये भी इसकी खास बात मुझे लगती है। वाइब्रेशन की बात जहाँ तक है, वाइब्रेशन 125 के हिसाब से, और जितना इसमें पावर है और जितना इसका टॉप स्पीड है और जितना इसका इको स्पीड है, जैसे कि मैंने बताया आपको 60 का इको स्पीड है, उस अनुसार इसमें आपको उस तरह का वाइब्रेशन कुछ नहीं फील होता है। चलिए अभी हम 60 की स्पीड में चलाते हैं, लेकिन उसका तो आवाज़ आपको सुनाई देगा ही नहीं, क्योंकि आपको मतलब क्योंकि ऐसे ही सुनाई नहीं देता है, और ऐसे भी आपको साउंड जो है हवा का अच्छा सुनाई दे रहा होगा। तो ये कहानी है कि इसका 60 की स्पीड में आपको साउंड ऑन नहीं सुनाई देगा, और हम कुछ बताने वाले थे हाँ, ठीक है, तो वही बोलना शुरू करते हैं ना। कहाँ से बोल रहे थे, सीटिंग कंफर्ट। तो इस गाड़ी का सबसे एक और ख़ास बात है, जैसे कि आप चला रहे हैं, मैं इससे ये नहीं हो रहा है कि मैं मुझे होंडा ने कुछ पैसा दिया है, या कोई मोबाइल नहीं है 5,000 का, 4,000 का, 10,000 का, जो गाड़ी कंपनी मुझे दे दे कि लो भाई बड़ाई कर दो या फिर तारीफ कर दो। तो ये गाड़ी अपनी है, और मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ, इसमें जब आप बैठ जाते हैं सीट पे, तो आपका फीट सीधा रहता है, और आपको जैसा कि मैंने बताया चौड़ा सीट मिलता है आपको बैठने के लिए, मतलब आपको पूरा पिछवाड़ा एकदम साया एकदम मतलब फैल के बैठते हैं आप एकदम अच्छे से। और दूसरा तीसरा चीज़ क्या होता है, आपको कंफर्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी मेरे साथ एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इनका वजन 70 kg के आसपास होगा, और इसका कंफर्ट इतना अच्छा है, मतलब इसका आगे का हैंडल अच्छा बैठता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब अगर इसको मैं बहुत ही कम स्पीड तक भी आपको ले जाके दिखाऊं, अभी मैंने हैंडल छोड़ दिया आपको देख रहे होंगे, तो बहुत कम स्पीड तक भी ले जाके दिखाऊं, तो ये गाड़ी बड़े अच्छे से पकड़ के चलती है। देखिए अभी गाड़ी 30 की स्पीड में चल रही है, मैं आराम से अब 30 की स्पीड में जाके मुझे हैंडल को थोड़ा टच करना पड़ा 20 की स्पीड के आसपास, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप साइन एसपी अगर आपके दिमाग में है कि भैया लेना है, और थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो मैं सीधा बोलूँगा कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है साइन एसपी में, और क्या बताऊँ, बस यही है। अगर इस तरह का आपको रिव्यू देखना है गाड़ी का, तो हाँ लॉन्ग टूर में मैं बता रहा था कि लॉन्ग टूर में मैं इस गाड़ी को 300 किलोमीटर वन डे में देखता हूँ, और मैं पटना से दाऊदनगर औरंगाबाद गया था, औरंगाबाद से फिर पटना, दाऊदनगर स्टॉप हुआ था, फिर औरंगाबाद से पटना। तो इस तरह के टूर में मुझे इस गाड़ी में जो थकान का लेवल होता है, उस लेवल के अनुसार अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी कम थकान महसूस हुआ। तो अगर उस हिसाब से भी देखा जाए, क्योंकि इसका सेटिंग मैंने बताया, सेटिंग इसका बहुत अच्छा है, आपको किसी एक तरह से क्या होती है ना कि आपका जो बम है पीछे अगर लटकता है तो वहाँ पे आपको तकलीफ होती है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि आपको यहाँ चौड़ा सीट मिलता है। तो यही चीज़ है इस गाड़ी के साथ, तो यहाँ पर यह खासियत है। और जैसे कि मैंने एक जो चीज़ बताया, जो कि थोड़ा सा आगे यहाँ से कुछ आवाज़ आता है, तो नई गाड़ियों में नहीं आती होगी, या फिर मेरी गाड़ी में कुछ खास समस्या हो गई होगी, कहीं ठोकर वोकर लगी होगी, तो इसकी वजह से आवाज़ आती होगी, नहीं तो इसमें और कोई समस्या नहीं है। क्यू का जो फैसिलिटी है, और जो आपको इंडिकेटर यहाँ सर्विस इंडिकेटर, ये सब टाइमिंग वाइमिंग दिया हुआ है, सेल्फ स्टार्ट भी बहुत अच्छा से वर्क करता है, और इसका आगे का जो मतलब डिस्क ब्रेक है, थोड़ा पकड़िएगा, डिस्क ब्रेक झट से, मतलब अकेले डिस्क ब्रेक कभी कभी लगता है कि काफ़ी है गाड़ी को रोकने के लिए, अगर आप अकेले हैं तो, पीछे में अगर कोई बैठा है तो फिसल सकता है, ऐसा डर लगता है, लेकिन लंबी सीट के कारण ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इस गाड़ी को अगर आप लेना चाहते हैं तो बेझिझक ले सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होगा। 80,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस है, सब सामान वामान लगाता है। चलिए धन्यवाद। मैं बेसिकली इसी स्पीड में गाड़ी को हाईवे पर चलाता रहता हूँ, अभी पटना 50 किलोमीटर दूर है, तो बस इसी तरह ये 60 की स्पीड जैसे आप देख पा रहे हैं, 60 स्पीड में चलती रह जाती है, आराम से एक हाथ पॉकेट में डालो और चलते रहो। तो इसका ये कंफर्ट लेवल जो है वो मुझे सबसे पसंद है इस गाड़ी का, मतलब ये 150 cc को टक्कर देने में किसी हिसाब से भी छोड़ती नहीं है।